Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 4.4. Question number first. Fill in the blank. Fill in the blanks of the following. First, x divided by 7 equal to y divided by 3 equal to 3x plus 5y divided by fill in the blanks equal to 7x minus 9y divided by fill in the blanks. Solution. तो हम सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं. तो इसके लिए हमें x divided by 7 equal to y divided by 3 equal to 3x plus 5y divided by fill in the blank हमने ये लिया. अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मतलब x और y की वैल्यू लिखनी होगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अगर हम इन्वर्टेंडो का रूल यूज़ करें या फिर थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से करें तो ये 7 इधर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा. तो x इक्वल टू जैसे 7 x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 3 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3. मैं y को इधर ले आई हूँ, 7 को इस सेट लेकर आ गई हूँ. तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई है 3. तो यहाँ पर हम x की जगह लिखेंगे 7 और y की जगह लिखेंगे 3. देयरफॉर x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3x plus 5y divided by 3 into x, x equal to 7 plus 5y, y equal to 3 by theorem on equal ratios. Equal to 3x plus 5y, 3x plus 5y divided by 7 3s are 21 plus 5 3s are 15 equal to 3x plus 5y divided by 21 plus 15 equal to 36. तो ये अब हमारी पहली वैल्यू आ गई है कितनी 36. अब हमें सेकेंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा. तो उसके लिए हमें ये वैल्यू लेनी है. Therefore, x divided by 7 equal to y divided by 3 equal to 7x minus 9y, 7x minus 9y divided by fill in the blanks. अब यहाँ पर वही हमारे वैल्यू तो वही रहेगी, x equal to 7 and y equal to 3. तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर भी लेनी होगी. x divided by 7 equal to y divided by 3 equal to 7x minus 9y divided by 7 into x, x equal to 7 minus 9 into y, y equal to 3. यहाँ पर भी रीजन सेम रहेगा थ्योरम ऑन इक्वल रेशो. इक्वल टू 7x minus 9y divided by 7 7 जा 49 minus 9 3 जा 27 equal to 7x minus 9y, 7x minus 9y divided by 49 minus 27 equal to 22. Therefore, x divided by 7 equal to y divided by 3 equal to 3x plus 5y divided by 36 equal to, अब हमने यहाँ पर जो सेकेंड वैल्यू सॉल्व की इसका आंसर कितना आया है 22. तो 7x माइनस 9y डिवाइडेड बाय 22 आंसर. सेम ऐसे हम सेकेंड वाला भी सॉल्व करेंगे. सेकेंड में हमें दिया हुआ a डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू b बाय 4 इक्वल टू c बाय 7 इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 6 minus 8 plus 14. Solution. अब हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. तो a by
3 इक्वल टू b बाय 4 इक्वल टू c बाय 7 इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखिए a, b एंड c तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। यहाँ पर हमने क्या किया था, y को इधर लेके गए, 7 को इधर, तो इससे x और y की वैल्यू आ गई थी। अगर हमें ऐसा ना करना हो तो एक और तरीका है x और y की वैल्यू देखने की। x के नीचे जो वैल्यू है वो x की वैल्यू हो जाएगी और y के नीचे जो टर्म लिखी हुई है वो y की वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर भी a के नीचे 3 लिखा है तो a इक्वल टू 3 एंड b के नीचे 4 लिखा है तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी और c के नीचे 7 लिखा है तो c की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब बस यहाँ पर हमें a, b एंड c की वैल्यू रख के सॉल्व करना होगा। देयरफॉर a बाय 3 इक्वल टू b बाय 4 इक्वल टू c बाय 7 इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू b, b इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू c, c इक्वल टू 7 इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 टू जा 8 प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय 21 प्लस 3 इक्वल टू 24, 24 माइनस 8 इक्वल टू 16। अब यहाँ पर ये यह हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई है 16। अब हमें सेकेंड वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। देयरफॉर a बाय 3 इक्वल टू b बाय 4 इक्वल टू c बाय 7 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 प्लस 14। यह हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से किया है, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस। यहां पर भी हम वही थ्योरम का यूज करेंगे, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 3, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर मतलब 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, 3 ए की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक डिवाइडेड बाय 6, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू ए हो गया माइनस 8 है। अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और b की वैल्यू कितनी है 4, मतलब 2 इंटू 4 करूँगी तो 8 आ जाएगा, तो माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो गया और 4 b की वैल्यू हो गई। अब c की वैल्यू 7 है तो 7 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 लिखने से 14 वैल्यू आ गई और c की वैल्यू हो गई 7 इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर देखिए 2a माइनस 2 इंटू 4, 4 b की वैल्यू है तो 2b प्लस 2 और 7 c की वैल्यू है तो 2c डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 प्लस 2 7 जा 14। देयरफॉर a बाय 3 इक्वल टू b बाय 4 इक्वल टू c बाय 7 इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय 16। हमारी फर्स्ट वैल्यू 16 आई थी, अब ये सेकंड वाली वैल्यू हमारी ये आई है तो इक्वल टू 2a माइनस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 प्लस 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5m माइनस एन इक्वल टू 3m प्लस 4n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशन, फर्स्ट m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, हमें यहाँ पर ये गिवन है तो इससे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा,
जो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, तो 5m माइनस n इक्वल टू 3m प्लस 4n, इट इज गिवन। अब इससे हम सबसे पहले m और n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर वो m और n की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, m वाली वैल्यू एक साइड ले जाएंगे और n वाली वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। देयरफॉर 5m माइनस 3m, 3m को इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आई तो माइनस का हो गया इक्वल टू 4n प्लस n, ये n माइनस का इक्वल टू के राइट हैंड साइड आके प्लस का हो गया। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2m इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5n। देयरफॉर अब हमें m बाय n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं n को इक्वल टू के इस साइड लेकर जाऊंगी, डिवाइड में हो जाएगा, तो m बाय n इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, 2m के मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे हमारी m और n की वैल्यू आ गई है, ये हमारी m बाय n की वैल्यू आई है, लेकिन हमें m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर m बाय n होल स्क्वायर इक्वल टू 5 बाय 2 होल स्क्वायर, देयरफॉर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मतलब प्लस और माइनस चाहिए, तो हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज़ करेंगे। तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4 को भी मैं लिख सकती हूँ 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 इक्वल टू 25 प्लस 4 इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 इक्वल टू 21 आंसर। Therefore, m square plus n square divided by m square minus n square equal to 29 divided by 21. Second में हमें 3m plus 4n divided by 3m minus 4n की value find करनी है, तो solution, अब हमें यहाँ पर भी यही value given है, इससे हम m by n की value find कर चुके हैं, हमारी m बाय n की वैल्यू आई थी 5 बाय 2, m बाय n इक्वल टू 5 बाय 2 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए m के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया हुआ है और n के साथ में 4 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर हमें 3 बाय 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by 3 by 4, therefore 3 by 4 into m by n equal to 3 by 4 into 5 by 2, therefore 3 into m equal to 3m divided by 4 into n equal to 4n equal to 5 3 जा 15 divided by 4 2 जा 8। तो ये अब हमारी वैल्यू आ गई है 3m divided by 4n की, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए इसकी, मतलब प्लस और माइनस चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज़ करना होगा। देयरफॉर 3m प्लस 4n डिवाइडेड बाय 3m माइनस 4n इक्वल टू 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8। तो हमारी अभी ये वैल्यू आ गई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज़ करने से। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से ये वैल्यू आई थी हमारी, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, देयरफॉर 3m प्लस 4n डिवाइडेड बाय 3m माइनस 4n इक्वल टू 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, देयरफॉर 3m minus 4n plus 4n divided by
3m माइनस 4n इक्वल टू 23:7 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व। फर्स्ट इफ ए y प्लस जेड इक्वल टू b इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई एंड आउट ऑफ ए बी सी टू ऑफ देम आर इक्वल देन सो दैट y माइनस जेड डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू सी माइनस a इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय c इंटू a माइनस बी। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें ये वैल्यू गिवन है तो इससे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। नंबर टू ऑफ ए बी एंड सी आर इक्वल वैल्यूज ऑफ बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी आर नॉट जीरो। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ये वैल्यू गिवन है तो a इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू बी इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई इट इज गिवन। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला है कि b माइनस सी, सी माइनस ए एंड a माइनस बी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो हम इसे प्रूफ ही नहीं कर सकते, ये नॉट जीरो होनी चाहिए। देयरफॉर अब यहाँ पर हमें इन a, b एंड c इस वैल्यू को हटाना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। देयरफॉर a इंटू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ए बी सी इक्वल टू बी इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए बी सी इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी सी। यहाँ पर a से a कैंसिल, b से b कैंसिल एंड c से c कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची है, देयरफॉर y प्लस जेड, y प्लस जेड डिवाइडेड बाय बी सी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी। लेट हमारी ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम पहले के इक्वल रख लेते हैं। लेट y प्लस जेड डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू के, इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हमें क्या चाहिए, a b माइनस सी चाहिए। अगर मैं इस a का मल्टीप्लाई b माइनस सी में करती हूँ तो क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी किस में है, इन दोनों में ए बी एंड ए सी है, तो मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले इन दो वैल्यू को लेना होगा तभी ये वैल्यू आ पाएगी। देयरफॉर k इक्वल टू, तो a भी हमें पहले लेना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम a का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी मतलब हमें सबसे पहले इस वैल्यू को लेना होगा, तो k इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए सी। तो हमने इन दोनों वैल्यू को ले लिया। अब हम यहाँ पर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए या मल्टीप्लाई चाहिए। यहाँ पर हमें माइनस चाहिए तो इनको माइनस कर देते हैं। देयरफॉर के इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड
प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए सी बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस. देयरफॉर के इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए सी. तो मैं यहाँ से दोनों साइड से ए को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो ए को कॉमन निकालूंगी, अंदर की साइड क्या बचेगा, बी माइनस सी. देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची, के इक्वल टू वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय ए इंटू बी माइनस सी. तो देखिए हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई है. अब सेम इसी तरीके से हम सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे. यह हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू. अब सेकेंड के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, बी इंटू सी, बी सी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी ए, मतलब हमें इन दोनों वैल्यू को लेना होगा. देयरफॉर के इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अब यहाँ पर भी देखिए हमें इन दोनों को, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को माइनस करना होगा, तो माइनस हम बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से कर सकते हैं. देयरफॉर के इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी सी माइनस ए बी बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस. यहाँ पे देखिए थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. देयरफॉर के इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं दोनों साइड से बी को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो बी को कॉमन निकालने पे वैल्यू क्या बची अंदर की तरफ, सी माइनस ए, सी माइनस ए. यहाँ पर देखिए वाई से वाई कैंसल, देयरफॉर के इक्वल टू जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी इंटू सी माइनस ए. हमें सेकेंड में यही वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वैल्यू हमारी आ गई है, ये हमारी सेकेंड वाली वैल्यू है. अब हमें थर्ड में ये वैल्यू लेकर आना है, सी इंटू ए माइनस सी इंटू बी, मतलब सी ए माइनस सी बी, सी ए माइनस सी बी, मतलब हमें इन दो वैल्यू को लेना होगा. तो पहले ये वैल्यू लेना है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, सी ए, मतलब सबसे पहले हमें ये वैल्यू लेना है, फिर उसके बाद हमें ये वैल्यू लेना है. k इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय बी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. देयरफॉर अब यहाँ पर भी हमें माइनस ही चाहिए, देखिए थर्ड में वैल्यू है, यहाँ पर भी हमें माइनस चाहिए, मतलब हमें इसे माइनस करना होगा बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से. थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस. देयरफॉर के इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ए सी माइनस बी सी इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड. माइनस का मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गए. यहाँ में दोनों साइड से देखो ए सी माइनस बी सी में से मैं सी को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो सी को कॉमन निकालने का वैल्यू क्या बची के अंदर की तरफ, ए माइनस बी, ए माइनस बी. यहाँ पर जेड से जेड कैंसिल. देयरफॉर के इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी इंटू ए माइनस बी. तो ये वैल्यू हमारी आ गई है थर्ड की. अब हमारी जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड की वैल्यू आई है, देयरफॉर वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू हमारी ये आई है, जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू, एंड थर्ड वैल्यू हमारी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी इंटू ए माइनस बी. हैंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था. ये वैल्यू हमारी आ गई.
सेकेंड इफ एक्स डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 3y माइनस एक जेड माइनस एक्स इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय 3z माइनस एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो देन सो दैट The value of each ratio is equal to 1. Solution. अब हमें सबसे पहले ये value given है तो हम इसे लिख लेते हैं. Let x divided by 3x minus y minus z equal to y divided by 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय 3z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू के. हमने इसे के इक्वल रख लिया. अब हम यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के लिए कहा गया है, मतलब यहाँ पर हमें प्लस करना होगा इन सभी को. तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, therefore k equal to x plus y plus z divided by 3x minus y minus z plus 3y minus z minus x plus 3z minus x minus y. Therefore k equal to x plus y plus z divided by 3x, यहाँ पर देखिए x x टू टाइम्स से माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो गया. अब y की वैल्यू देख लेते हैं तो प्लस थ्री वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास टू है, माइनस वाई एंड माइनस वाई तो माइनस माइनस प्लस माइनस टू वाई. अब है हमारी z वाली वैल्यू तो थ्री जेड माइनस जेड एंड माइनस जेड माइनस माइनस प्लस तो माइनस टू जेड. देयरफॉर k इक्वल टू x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 3x minus 2x equal to x plus 3y minus 2y equal to y plus 3z minus 2z equal to z. X plus y plus z से x plus y plus z cancel. Therefore k equal to 1. And we know that x plus y plus z is not equal to 0. Therefore each ratio equal to 1. Hence proof. Third, if ax plus by divided by x plus y equal to bx plus az divided by x plus z equal to ay plus bz divided by y plus z and x plus y plus z is not equal to 0, then so that a plus b divided by 2. Solution. हमें यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, इससे हमें इसको लेकर आना है, ये प्रूफ करना है. तो लेट ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड इक्वल टू के. Therefore k equal to, अब हमें यहाँ पर देखिए a plus b, यहाँ पर x plus y plus z है, मतलब हमें यहाँ पर theorem on equal ratio का use करके इन तीनों को add करना होगा. तो k equal to ax plus by plus bx plus az plus ay plus bz divided by x plus y
प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना होगा, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, मतलब हम इसे ऐसे ही ओपन कर सकते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स, मैं यहाँ पे इसे साथ में अरेंज भी करते जा रही हूँ, मतलब एक्स वाली वैल्यू को एक साइड, वाई वाली वैल्यू को एक साइड और जेड वाली वैल्यू को एक साइड लेकर आ रही हूँ। तो ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया, अब हमें क्या लेना होगा, वाई की वैल्यू। तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम इसे अरेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, वाई प्लस वाई टू वाई एंड जेड प्लस जेड इक्वल टू टू जेड इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों से मैं एक्स को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैंने यहाँ से एक्स को कॉमन निकाला तो वैल्यू क्या बची, ए प्लस बी। सेम इसी यहाँ से मैं वाई को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो प्लस वाई कॉमन निकालने पर वैल्यू बचेगी ए प्लस बी। सेम ऐसी यहाँ से मैं जेड को कॉमन निकाल लूँगी तो वैल्यू हमारी बचेगी ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए, तीनों में ही ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या बची, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू। अब यहाँ से मैं ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो ए प्लस बी कॉमन निकालने के बाद अंदर वैल्यू क्या बचेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ से डिनोमिनेटर में तीनों साइड से टू को कॉमन निकाल लूँगी, टू को कॉमन निकालने के बाद अंदर वैल्यू बचेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसल। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है, के इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, हमें ये प्रूफ करना था, हो गया, हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कि हमें गिवन है कि ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इज रेशो इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू आंसर। फोर्थ, इफ वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी, देन सो दैट एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी। सॉल्यूशन, यहाँ पर भी हमें ये वैल्यू गिवन है, इससे हमें इसको प्रूव करना होगा। लेट वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू के, यह हमें गिवन है, इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर के इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इन दो वैल्यू को लेंगे, फिर इसे लेंगे, तो जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ए। अब हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का यूज़ करके इसे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या है, बी प्लस सी माइनस ए, मतलब इन दोनों को हमें ऐड करना है और इसे माइनस करना होगा। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का मतलब ही ये है कि हमें जो साइन चाहिए वो साइन हम यहाँ पर बीच में लगा देते हैं। देयरफॉर के इक्वल टू जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए,
देयरफॉर के इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए। वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल। देयरफॉर के इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए, इट इज़ नोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू आई है, बस टू यहाँ पर आया है तो हम इसे बाद में लेकर आएंगे। अब सेकेंड, सेकेंड के लिए हमें क्या करना है, सी प्लस ए माइनस बी, मतलब सबसे पहले हमें इन दो वैल्यू को लेना होगा फिर इसे लेना होगा। देयरफॉर के इक्वल टू सी वाली वैल्यू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बी बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से हम क्या करेंगे, जो साइन हमें यहाँ पर चाहिए वो साइन यहाँ पर बीच में लगा देंगे। सी प्लस ए माइनस बी, सबसे पहले इन्हें ऐड कर देंगे फिर इसे माइनस। तो यहाँ हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से लिख सकते हैं सी प्लस ए माइनस बी करके हमें लिखना है। देयरफॉर के इक्वल टू सी प्लस ए, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी। देयरफॉर अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी। जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। देयरफॉर के इक्वल टू वाई प्लस वाई इक्वल टू टू वाई डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी, इट इज़ नोटेड बाय थर्ड इक्वेशन। देखिए हमारी ये वाली वैल्यू भी आ चुकी, अब हमें थर्ड में ये वैल्यू फाइंड करना है। इसमें हमें क्या करना है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब यहाँ पर हमें इन तीनों को ऐसे ही लेना है वैल्यू को। देयरफॉर के इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी। देयरफॉर के इक्वल टू, यहाँ पर हमें इसे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से लिखना होगा ए प्लस बी माइनस सी करके, तो वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। देयरफॉर के इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी एज इट इज। देयरफॉर के इक्वल टू जेड प्लस जेड इक्वल टू टू जेड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी, इट इज नोटेड बाय फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, फॉर के इक्वल टू टू एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू टू वाई डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू थर्ड फोर्थ इक्वेशन टू जेड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x, 2y और 2z हमें मिला है, जबकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ x, y और z है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग इस रेशो बाय 1 बाय 2, हमें 1 बाय 2 का प्रत्येक रेशो में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग इस रेशो बाय 1 बाय 2, देयरफॉर के इक्वल टू वन बाय टू इन टू टू एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू
टू वाई वन बाय टू इंटू टू वाई डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू वन बाय टू इंटू टू जेड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी। टू से टू कैंसल, देयर फोर के इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी। हेंस प्रूफ। फिफ्थ, इफ थ्री एक्स माइनस फाइव बाय डिवाइडेड बाय फाइव जेड प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जेड, देन सो दैट एवरी रेशो इक्वल टू एक्स वाई एक्स बाय वाई। सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे ये वैल्यू दी है, इससे हमें एक्स बाय वाई लेकर आना होगा। लेट थ्री एक्स माइनस फाइव वाई डिवाइडेड बाय फाइव जेड प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा, यहाँ पर हमें फाइव एंड थ्री है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू कुछ वैल्यू कैंसिल की जा सके। जैसे यहाँ पर देखो फाइव जेड है, तो अगर मैं जेड में फाइव का मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी फाइव का मल्टीप्लाई अगर मैं कर देती हूँ तो ये फाइव वाई यहाँ पर माइनस का आता है, फाइव वाई भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर फाइव का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फाइव वाई फाइव जेड कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर अगर मैं फाइव का मल्टीप्लाई कर दूँ तो फाइव एक्स और फाइव जेड कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है कि जो थर्ड वाला रेशो है, इस थर्ड रेशो में हमें फाइव का मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। देयरफॉर इक्वल टू के, देयरफॉर k इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव वाई डिवाइडेड बाय फाइव जेड प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू फाइव। अब हम यहाँ पर इसमें फाइव का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव वाई माइनस फाइव जेड डिवाइडेड बाय फाइव एक्स माइनस फाइव जेड। मतलब यहाँ पे जो थर्ड वाला रेशो है इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड हमने फाइव का मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइव वाई माइनस फाइव जेड डिवाइडेड बाय फाइव एक्स माइनस फाइव जेड हो गया। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of third ratio by 5। अब यहाँ पर देखिए, हमने 5 का मल्टीप्लाई तो कर दिया था, अब हमें यहाँ पर थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का यूज करके x बाय वाई की वैल्यू लेकर आना है। तो इसके लिए हमें 5 बाय एंड 5 जेड को कैंसिल करना होगा। तो ये प्लस माइनस के तो ऑलरेडी हैं, मतलब हमें इन तीनों रेशो को ऐड करना होगा बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। Therefore, k equal to 3x minus 5y plus x plus 5z plus 5y minus 5z divided by 5z plus 3y plus y minus 5z 5x plus 5x minus 5z by theorem on equal ratio। Therefore, k equal to 3x minus 5y plus x plus 5z plus 5y minus 5z divided by
फाइव जेड प्लस थ्री वाई माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव जेड। यहाँ देखिए फाइव जेड से फाइव जेड कैंसल, फाइव वाई से फाइव वाई कैंसल, सेम ऐसे यहाँ पर भी फाइव जेड से फाइव जेड कैंसल, फाइव एक्स से फाइव एक्स कैंसल। हमारे पास वैल्यू क्या बची, k इक्वल टू थ्री एक्स प्लस एक्स इक्वल टू फोर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री वाई प्लस वाई इक्वल टू फोर वाई, फोर से फोर कैंसल, देयर फोर k इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई, देयर फोर एच रेसो इक्वल टू एक्स बाय वाई, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व। फर्स्ट सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाय एट एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर हमें दोनों रेशो इक्वल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू जीरो रख के देख लेते हैं कि दोनों रेशो इक्वल है या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर हम सेकेंड वाले रेशो में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये वैल्यू कैंसिल की जा सके। जैसे यहाँ पर देखिए फोर एक्स माइनस फाइव है, तो फोर एक्स माइनस फाइव में अगर मैं फोर एक्स का मल्टीप्लाई करती हूँ तो फोर फोर जा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर फाइव जा ट्वेंटी एक्स, मतलब ये वैल्यू कैंसिल की जा सकती है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू जीरो रख लेते हैं। इफ x इक्वल टू जीरो देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाय एट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू सिक्सटीन इंटू जीरो स्क्वायर माइनस ट्वेंटी इंटू जीरो प्लस नाइन डिवाइडेड बाय एट इंटू जीरो स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व इंटू जीरो प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये पूरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बचेगी कि सिर्फ नाइन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन। इसे हम थ्री से कैंसिल कर सकते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, थ्री बाय सेवन। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को हमने सॉल्व करके लेकर आए हैं थ्री बाय सेवन, सेम ऐसी हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फोर इंटू जीरो माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू इंटू जीरो प्लस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री। तो हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आई है माइनस फाइव बाय थ्री। थ्री बाय सेवन इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री, विच इज अ कंट्राडिक्शन। देयरफॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो लिख लेते हैं सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाय एट एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू के, इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर के इक्वल टू सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाय एट एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले रेशो में हमने कहा था किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि नंबर कैंसिल की जा सके। तो मैं यहाँ पर अगर फोर एक्स का मल्टीप्लाई करती हूँ तो फोर एक्स इंटू फोर एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फोर एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेकेंड रेशो बाय फोर एक्स एज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। द
therefore k equal to 16x square minus 20x plus 9 divided by 8x square plus 12x plus 21 equal to 4 4s are 16 x into x equal to x square minus 4 5s are 20x divided by 4 2s are 8x square प्लस 4 3 12 x। अब यहाँ पर देखिए हमें ये वैल्यू कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि ये वैल्यू की जो साइन है वो सेम है। तो यहाँ पर मतलब इन दोनों रेशो को हमें माइनस करना होगा। तो ये होगा बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से, थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस। देखिए थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से यहाँ पर हमें इन दोनों को माइनस करना था। देयरफॉर k इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 20x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x, 8x स्क्वायर प्लस 12x। अब बस हमें इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12x। 16x स्क्वायर से 16x स्क्वायर कैंसिल, 20x से 20x कैंसिल, सेम ऐसे यहाँ पर 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर कैंसिल, 12x से 12x कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 9 डिवाइडेड बाय 21, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7। therefore k इक्वल टू 3/7। तो हमारी k की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना होगा, तो सेकेंड वाला रेशो था हमारा, उसे सेकेंड रेशो को हमें k के इक्वल रखना होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड रेशो हमारा क्या था, 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। therefore 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इक्वल टू k फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। therefore 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इक्वल टू k, k की वैल्यू हम कितनी लेकर आए, 3/7। अब बस हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके इसे सॉल्व करना होगा, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। therefore 7 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 3। therefore 7 4 जा 28x माइनस 7 5 जा 35 इक्वल टू 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। therefore अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए x वाली वैल्यू को एक साइड लेकर आना होगा, विदाउट x वाली वैल्यू को एक साइड लेकर आना होगा। तो 28x माइनस 6x इक्वल टू 9 प्लस 35। therefore 28 माइनस 6 इक्वल टू 22x इक्वल टू 9 प्लस 35, 9 प्लस 35 इक्वल टू 44। therefore x इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 22, 22 वन जा 22, 22 टू जा 44। therefore x इक्वल टू 2, तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 2। therefore x इक्वल टू 2 इज द solution of the given equation। second, 5y square plus 40y minus 12 divided by 5y plus 10y square minus 4 equal to y plus 8 divided by 1 plus 2y। if y इक्वल टू 0, देन, अब यहाँ पर भी हमें सबसे पहले y इक्वल टू 0 रख के वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 40 इंटू 0
माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। आर एच एस इक्वल टू वाई प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 वाई इक्वल टू 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 8। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई हमारी 8। देयरफॉर 3 बाय 1 इक्वल टू 8 बाय 1 विच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल रहे ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 0। लेट, अब हमें जो वैल्यू गिवन है इसे हम पहले के इक्वल रख लेते हैं। लेट 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2y इक्वल टू k। इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर भी हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू इक्वल हो जाए और कैंसिल की जा सके। जैसे यहाँ पर y है तो y में मैं अगर 5y का मल्टीप्लाई करूँ तो 5y स्क्वायर हो जाएगा, और 8 में 5y का मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 एट जा 40y। मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड मुझे 5y का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी दोनों वैल्यू इक्वल हो पाएगी। k इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5y इंटू y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5y इंटू 1 प्लस 2y मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5y एस y इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, हमने सेकेंड वाले रेशो में 5y का मल्टीप्लाई किया, तो 5y का मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, k इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 40y। सेम एज नीचे भी हमें वैल्यू मिलेगी 5y प्लस 10y स्क्वायर 5y प्लस 10y स्क्वायर। देयरफॉर k इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर 5y स्क्वायर एंड 40y सेम है, यहाँ पर 5y 10y स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो हमें इन दोनों रेशो को माइनस करना होगा। तो 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 माइनस 5y स्क्वायर प्लस 40y डिवाइडेड बाय 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y प्लस 10y स्क्वायर। देयरफॉर k इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 माइनस 5y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40y डिवाइडेड बाय 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 10y स्क्वायर। 10y स्क्वायर से 10y स्क्वायर कैंसिल, 5y से 5y कैंसिल, सेम ऐसे यहाँ पर भी 5y स्क्वायर से 5y स्क्वायर कैंसिल एंड 40y से 40y कैंसिल। देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, देयरफॉर k इक्वल टू 3। तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब यहाँ पर हमारा जो सेकेंड रेशो है y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2y इक्वल टू k है, मतलब यहाँ पर हम k इक्वल टू 3 रखेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2y इक्वल टू k फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
देयरफॉर y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2y इक्वल टू 3 बाय 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1 इंटू देयरफॉर 1 इंटू y प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2y। देयरफॉर y प्लस 8 इक्वल टू 3 वन जा 3 प्लस 3 टू जा 6y। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y वाली वैल्यू को एक साइड ले जाते हैं, विदाउट y वाली वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। देयरफॉर 8 माइनस 3 इक्वल टू 6y माइनस y। यहाँ पर देखिए 6y एज इट इज़ है, y को मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आई तो माइनस का हो गया, सेम ऐसे यहाँ पर 8 एज इट इज़ है, 3 को मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आई हूँ तो वो माइनस का हो गया। देयरफॉर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5y। देयरफॉर y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5। हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को हमें डिवाइड में लेकर जाना होगा, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5। देयरफॉर y इक्वल टू 1, तो हमारी 1 y की वैल्यू आ गई है 1। देयरफॉर y इक्वल टू 1 is the solution of the given equation. Hence proof. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.